المستضعفين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं मौजूद हूँ सुल्तान गाजी डेयरी फार्म में, जो कि आपका ग्वालवाड़ी में है। एकदम स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा ग्वालवाड़ी का, एकदम स्टार्टिंग रास्ते ही में आपको इनका बैनर भी दिख जाएगा। और बहुत ही अच्छा जगह है भाई, बहुत अच्छा स्पेस है इनके पास। ये देखिए, आप लोग बैनर देख सकते हैं पीछे, और यहाँ पर एक तालाब है, यहाँ पर तालाब भी देख सकते हैं, पूरा आपको बाहर से ही दिख जाएगा। तो आज मैं सुल्तान गाजी का कुछ कुछ जानवर को कवर करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा अच्छा जानवर है इनके पास। तो चलिए हम लोग जानवर को निकाल के दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं सुल्तान गाजी कैटल डेयरी एंड कैटल फार्म में। तो यहाँ कलेक्शन आपको दिखा रहे हैं, एक एक लाइन से दिखा रहे हैं। तो अभी हम लोग इसी से जानवर निकाल के आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत अच्छा अच्छा जानवर है भाई यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सबसे पहला बात हर रेंज का जानवर मिल जाएगा। तो आप लोगों को दोनों लाइन दिखा रहे हैं, ये देखिए दोनों लाइन में आप लोगों को जानवर निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए, हम लोग अभी इसको भी निकालने वाले हैं। ये एक बाछी है, कांकरेज बाछी, बहुत ही यंग, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको भी आपको निकाल के दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ जानवर को निकाल के दिखाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ का थोड़ा व्यू दिखा रहे हैं भाई, कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है भाई। ये देखिए, ये एकदम कैटल फार्म के सामने में है, क्या व्यू आ रहा है भाई, क्या व्यू आ रहा है। ये देखिए इनका जगह देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा जगह है। जानवर निकाल के दिखाने में यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग सुल्तान गाजी डेयरी फार्म का पहला जानवर निकाल रहे हैं, जो कि एक बौना है। बहुत हेवी वेट का, बड़ा साइज का बौना है भाई। ये देखिए, ये आ गया पहला जानवर सुल्तान गाजी डेयरी फार्म का। माशाल्लाह भाई बहुत बड़ा जानवर है, एग्रेसिव भी लग रहा है देख के। थोड़ा टानिए उसको, थोड़ा छोटा कीजिए भाई, लाइट थोड़ा सही आएगा। देख लीजिए भाई, यहाँ से दिखा रहे हैं आप लोगों को, पीछे से देखिए भाई, बहुत ही बड़ा जानवर है माशाल्लाह भाई। कंप्लीट पैकेज है ऐसा, बहुत एग्रेसिव है भाई। ये देखिए काफ़ी एग्रेसिव है ये, माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग इसका बनावट। अच्छा वाई 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 वाई, ये देखिए काफ़ी एग्रेसिव लग रहा है देख के। ये देखिए भाई, बहुत हैवी वेट का बौना है ये वाला आपका सुल्तान गाजी डेयरी फार्म का। पीछे से देखिए, देखिए भाई, ये देखिए भाई, यहाँ से दिखा रहे हैं आप लोगों को पूरा, आप लोग इसका वेट देख सकते हैं, काफ़ी हेवी वेट का जानवर है। ये देखिए भाई, इसका झालर देखिए, इसका सलामी देख सकते हैं आप लोग, कितना बड़ा सलामी है माशाल्लाह भाई। बहुत ही कंप्लीट पैकेज है एकदम। ये देखिए पिछल का बनावट देखिए, पूरा रेडी है, कहीं से भी आपको खाली नहीं मिलेगा, सब जगह से भरा हुआ जानवर है माशाल्लाह भाई। आप लोग सुल्तान गाजी डेयरी फार्म में आ सकते हैं, ये वाला जानवर आप लोग देख सकते हैं अपने आँख के सामने। पसंद आए तो उसको बुक कर दीजिए माशाल्लाह भाई, बहुत ही अच्छा जानवर। ओ भाई साहब, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह कैसा खेल रहा है भाई, देखिए मिट्टी में माशाल्लाह भाई, बहुत गजब का जानवर है। ये देखिए भाई, ये देखिए काफ़ी एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव जानवर है। तो चलिए अब उसको अंदर कर दे रहे, चलिए अंदर कर दीजिए इसको। भाई साहब, ये देखिए भाई कैसा भागा है। तो चलिए अभी हम लोग नंबर टू वाला जानवर निकाल रहे हैं, जो कि एक मुंडी है, और ये वाला भी भाई बहुत एग्रेसिव जानवर है। चलिए भाई लेके आइए इसको भी, काफी एग्रेसिव जानवर है, लेके आइए इसको। माशाल्लाह भाई, भाई भाई भाई, भाई क्या यंग जानवर है भाई, माशाल्लाह। बांध दिए इसको, बांध दिए, बांध दिए, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, गजब गजब। ओ भाई साहब, एग्रेसिव भी है पूरा,
कंप्लीट जानवर है भाई। ये देखिए कैसा कर रहा है भागने के लिए, अंदर जाने के लिए कैसा कर रहा है, माशाल्लाह। हाथ थोड़ा ऊपर करके रखिए, देखिए भाई कितना चंचल जानवर है, आप लोग देख सकते हैं कैमरा में, माशाल्लाह भाई बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मुंडी जानवर है भाई। ये देखिए यहाँ से देख सकते हैं इसका सलामी, देख लीजिए भाई बहुत खूबसूरत जानवर है। ये देखिए ये एग्रेसिव नहीं है, खाली खेलने मांग रहा है, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। थोड़ा सामने से निगाह रहा है, ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत। पाकिस्तानी मुंडी जो होता है भाई पूरा वैसे ही लग रहा है ये वाला, इसका झालर देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। स्किन क्वालिटी एकदम एक नंबर है भाई, एक नंबर। थोड़ा सा डर रहा है ये, आया। ये देखिए भाई यहाँ से देखिए, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत। आके आप लोग इसको देख सकते हैं भाई, बहुत खूबसूरत जानवर है, एकदम पाकिस्तान लेवल का मुंडी है भाई। थोड़ा सा डर रहा है देख के, तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन में मौजूद है नंबर 2 जानवर, जो कि एक मुंडी है सुल्तान गाजी डेयरी फार्म का। आप लोग कैटल फार्म विजिट कीजिए, आके जानवर को अपने आँख से देखिए भाई, बहुत खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, इसका झालर देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो चलिए अब हम लोग इसको अंदर कर देंगे, आप लोगों को फिर नेक्स्ट जानवर दिखाते हैं। तो चलिए भाई इसको अंदर कर दे रहे हैं हम लोग, माशाल्लाह भाई, वाह वाह भाई, वाह 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 भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए हम लोग अभी तीसरा नंबर जानवर निकाल रहे हैं, जो कि एक बाची कांकरेज गाय है भाई, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है भाई। ये देखिए आ रहा है, एकदम यंग है, यंग बाची है। चलिए भाई लेके चलिए इसको, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये देखिए भाई क्या ज़बरदस्त जानवर है भाई साहब, गजब गजब। बांध दीजिए इसको, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बाची गाय है ये देखिए, जबरदस्त भाई जबरदस्त, एकदम यंग है भाई। अभी इसका सींग भी पूरी तरह से उगा नहीं है, एकदम यंग जानवर है। आप लोग आके अपना आँख से ये वाला देखिए भाई, पर बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत। फ्रंट पोजीशन देखिए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, गजब गजब, बहुत खूबसूरत है भाई, अल्टीमेट लेवल। ये देखिए कितना एग्रेसिव लग रहा है देख के, और वैसे ही खूबसूरत है। इसका झालर देखिए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, इसका झालर देखिए भाई गजब। फोन पे मैंने देखी, स्किन क्वालिटी देख सकते हैं भाई, बहुत ही अच्छा मेंटेन है यहाँ पे जानवर। जिन हजरात को भी ये जानवर पसंद है वो आ जाइए सुल्तान गाजी डेयरी एंड कैटल फार्म में, आके जानवर बुक कर दीजिए। आप लोग इसको कुर्बानी के लिए भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग एक साल रखना भी चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई जानवर बहुत बहुत ही अच्छा जानवर है भाई। ये भी माशाल्लाह और बढ़ेगा, ये तो अभी शुरुआत है, सिर्फ 2 दांत का जानवर है, ये अभी शुरुआत है। और ये सब जानवर ना भाई रखने वाले ही जानवर है, पूरी तरफ से आपको दिखा रहे हैं। झालर देखिए अभी से इसका, 2 दांत का जानवर है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। 10 out of 10 भाई, 10 out of 10, बहुत गजब का जानवर है भाई। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ना अच्छा अच्छा जानवर आपको दिखा रहे हैं सुल्तान गाजी डेयरी फार्म से। चलो चल, अभी जानवर और बनना बाकी है, ठीक है। आप लोग इसको आइए आके लेके, एक साल के रखना है तो वो भी कर सकते हैं, या कुर्बानी के लिए लेना चाहते हैं कुर्बानी की नीयत से तो वो भी कर सकते हैं भाई। जानवर तो बहुत ही खूबसूरत, वन ऑफ द टॉप जानवर है भाई, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इसका सिंग तो अभी भाई बहुत बड़ा होगा भाई, सिंग अभी 2 दांत का जानवर है, सिंग तो अभी बहुत ही छोटा है इसका। तो चलिए भाई हम लोग अब इसको अंदर कर देते हैं, आप लोगों ने जानवर देख ही लिया होगा, इसको अंदर कर दीजिए भाई। तो चलिए इसको लेके चलते हैं अंदर, देखिए कैसा भागने के लिए कैसा कर रहा है भाई, ये अंदर ही जाएगा और कहीं भाग के नहीं जाएगा। देखिए भाई कैसा भाग रहा है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, गजब गजब।
तो चलिए अब हम लोग ये वाला जानवर निकाल रहे हैं, नंबर 4 जानवर है ये वाला, इसको निकाल के हम लोग आपको दिखाएंगे। चलिए वीडियो में बने रहिएगा भाई। तो चलिए ये वाला जानवर आपको दिखाते हैं, नंबर 4 जानवर आपको दिखा रहे हैं ये वाला। ये भी काफ़ी बड़ा साइज का जानवर है, ये देखिए भाई, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये देखिए कितना बड़ा साइज का जानवर है भाई। पीछे से देखिए, आप लोग देख सकते हैं कैसा चल रहा है, माशाल्लाह गजब, काफ़ी हैवी वेट का जानवर है ये वाला। ये देखिए इसका बैक पोजीशन आप लोग देख सकते हैं भाई, बहुत ही गजब का रेडी हुआ है भाई जानवर। ये देखिए पिक्चर देखिए, इसका सब जगह से भरा हुआ है भाई, कहीं पर भी जगह नहीं है। ये देखिए स्किन क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, एकदम वाइट में जानवर है। ये वाला भी जो हल्का आपको कालापन दिख रहा है, ये वाला भी वाइट हो जाएगा अभी, ये हल्का हल्का वाइट हो जाएगा ये वाला भी। झालर का बनावट देखिए माशाल्लाह भाई, चेहरे की खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जानवर है। ये देखिए इसका सलामी देखिए भाई, काफ़ी बड़ा सलामी है, ये देखिए सलामी देखिए आप लोग, पिक्चर का बनावट देख सकते हैं। ये देखिए पीछे से दिखा रहे हैं, ये देखिए पिक्चर का बनावट देखिए, पूरा एकदम गोल है भाई, रसगुल्ला है रसगुल्ला। ये देखिए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जानवर है, गजब गजब। थोड़ा सा डर रहा है, ये देखिए झालर का बनावट देखिए, खूबसूरत भाई बहुत खूबसूरत, वन ऑफ द टॉप, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये देखिए पीछे से देखिए, गजब भाई गजब, बहुत खूबसूरत जानवर है भाई, और वैसे ही हैवी भी है, हैवी वेट के साथ साथ खूबसूरती सब कुछ है इस जानवर में। आप लोग सुल्तान गाजी डेयरी फार्म आइए, आगे विजिट कीजिए, अपने आँख के सामने से जानवर देखिए और बुक कर दीजिए भाई। अभी भी 1 महीना बाकी है, तो 1 महीना में जानवर और भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सुल्तान गाजी डेयरी फार्म का 4 जानवर दिखाया, बहुत ही प्रीमियम लेवल का जानवर था सारा सारा, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को इस कैटल फार्म का कोई भी जानवर पसंद आया होगा, और जो जो जानवर अभी नहीं भी दिखाए हैं, आप लोग एक बार कैटल फार्म विज़िट कीजिए, विज़िट करके आइए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा जानवर है भाई, आके आप लोग यहाँ पे जानवर देख सकते हैं। इस वीडियो में को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गर्मी बहुत ही ज़्यादा है भाई, बहुत भयंकर लेवल का गर्मी पड़ा है। इंसान हम लोग का ये हालत है तो फिर जानवर लोग का क्या हालत हो रहा होगा। तो मेरी आपसे सब लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग अपने खिड़की में, आप लोग बरंडा में या कहीं पर भी अपना घर के बाहर थोड़ा सा बोल में या फिर किसी कोई भी चीज़ में पानी इकट्ठा करके ज़रूर रख दीजिएगा, छोटा छोटा परिंदा लोग जो है उन लोगों के लिए। अभी गर्मी इतना ज़्यादा है, सब जगह पानी भी सूख जा रहा है, उन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, आप लोग बहुत लोग ऐसा करते होंगे मुझे मालूम है, जो लोग नहीं करते उन लोग के लिए मेरे एक गुजारिश है आप लोगों से, आप लोग अपना खिड़की में, दरवाजे के बाहर या कहीं पर भी आप लोग छोटा सा बोल में आप लोग पानी ज़रूर रख दीजिएगा परिंदे लोग के लिए। और बस यही आपसे गुजारिश है, बस इतना आप लोग कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे।